आउटलाइन टीवी के नाज़रीन को नई वीडियो में खुश आमदी। करोड़ों डॉलर मुल्क से लेकर फरार होने वाले अफगान सदर अशरफ गनी की बेटी का नाम क्या है, वो इस वक्त कहाँ रह रही है, किस मुल्क में अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रही है, अफगान सदर की बेटी में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे दूसरी ख्वातीन से अलग साबित करती है, अशरफ गनी की बेटी का पेशा क्या है और वो कौन सा काम करके अपनी पुरतयुश ज़िंदगी गुजार रही है, भारत का और तालिबान का पहला बाज़ाब्ता राबता कब और क्यों हुआ, ये वो सारी बातें हैं जो आज की वीडियो में बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हॉटलाइन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, तालिबान के कब्जे के बाद मुल्क से फरार होने वाले अफगान सदर अशरफ गनी की बेटी मरियम बैरून मुल्क ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही हैं। मरियम गनी, जिनके वालद मुबैना तौर पर 16 करोड़ 90 लाख डॉलर नकद लेकर अफगानिस्तान से फरार हुए और उन्हें इंसानी बुनियादों पर दुबई में पनाह दी गई। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 42 साल मरियम गनी ब्रुकलिन के क्लिंटन हिल में एक पुरतयश घर में रह रही हैं। विजुअल आर्टिस्ट और फिल्म साज मरियम गनी अमरीका में पैदा हुई और वहीं परवरिश पाई। उनके बारे में कहा जाता है कि वो गैर रवायती तर्ज ज़िंदगी गुजार रही हैं जो कि अफ़गानिस्तान की आम ख़वातीन की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ है। मरियम ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर रिपोर्टर्स से बात करने से इनकार कर दिया था और वो अमरीकी शहरियों से अपील कर रही थी कि वो इन अफ़गानों की मदद करें जिनकी ज़िंदगियाँ मुल्क में तालिबान की वजह से मुतासिर हो रही हैं। मरियम गनी ने सोशल मीडिया पर सवालों जवाब के सेशन में पोस्ट किया कि हम अभी अफ़गान अवाम की मदद के लिए क्या कर सकते हैं। मरियम कहती हैं कि वो अफ़गानिस्तान में अपने ख़ानदान, दोस्तों और साथियों के लिए गमगीन और खौफजदा हैं। उन्होंने अमरीकी शहरियों पर जोर दिया कि वो अपने मुंतखब ओहदेदारों से राबता करें और अफ़गान महाजरीन की मुल्क बदरी को रोकने और महाजरीन के लिए खसूसी वीज़ों के इजरा को तेज़ करने की दरख्वास्त करें। मरियम गनी ने लिखा कि हर उस शख्स का शुक्रिया जिसने पिछले दिनों राबता किया और यकजहती की, ये मेरे लिए बहुत है और मैं सख्त मेहनत से काम कर रही हूँ ताकि अफ़गान अवाम के लिए कुछ कर सकूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुंतखब ओहदेदारों से राबता करने के अलावा लोग तंजीमों के लिए अतिया या रज़ाकाराना खिदमात अंजाम दे सकते हैं जो पनाह गुज़ीनों और बेघर अफराद की मदद करते हैं। याद रहे कि अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में तालिबान के दाखिल होने के बाद अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गए थे। रूस ने दावा किया था कि अशरफ गनी अफ़गानिस्तान से फरार होते हुए अपने साथ पैसों से भरी 4 गाड़ियां और 1 हेलीकॉप्टर भी ले गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सदर को कुछ पैसे छोड़कर भी जाना पड़ा क्योंकि उनके पास मज़ीद पैसे रखने की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। लेकिन अब अशरफ गनी ने फेसबुक पर कौम से खिताब भी किया था जिसमें उन्होंने पैसों से भरे बैग साथ ले जाने की खबरों की तरदीद कर दी थी। नाज़रीन, दूसरी जानब इंडिया की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े और अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद पहली मरतबा इंडिया का तालिबान की आला तरीन क्यादत से मंगल को बाज़ाब्ता तौर पर राबता हुआ है। इंडिया की वजारत खारजा के ऐलान के मुताबिक मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इंडिया के सफ़ीर और तालिबान के आला तरीन रहनुमा के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बारे में इंडिया की वजारत खारजा की तरफ से एक मुख्तसर सा बयान जारी किया गया लेकिन तालिबान की तरफ से इस बारे में कोई बात सामने नहीं आई। इंडिया की वजारत खारजा ने यह दावा किया है कि मुलाकात तालिबान रहनुमा की दरख्वास्त पर दोहा में इंडिया के सफारतखाने में हुई, जबकि बरतानवी खबरसा इदारे राइटर्स की खबर में कहा गया है कि ये मुलाकात दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर में हुई। इंडिया ने कहा है कि इंडिया के सफीर दीपक मित्तल से तालिबान रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई मिलने इंडियन सफारतखाने आए। इंडियन वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में अमरीका के इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाले इंडियन शहरियों के तहफ़
और उनकी जल्द अज जल्द बाहिफाजत इंडिया वापसी के बारे में बात हुई। इंडिया के सफीर ने इंडिया सफ़र की ख्वाहिश रखने वाले अफगान शहरियों और ख़ास तौर पर अकलीतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफगान शहरियों का मामला भी मुलाकात में उठाया। इंडिया के सफीर ने इंडिया में पाई जाने वाली इस तशवीश का इजहार भी किया कि इंडिया की मुखालफ शिद्दत पसंद तंजीमें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके इंडिया पर इंतहा पसंदी के हमले कर सकती हैं। याद रहे कि अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद शिद्दत पसंद अनासर के खित्ते के दूसरे मुल्कों में फैलने के बारे में रूस और चीन के अलावा खित्ते के तमाम मुल्कों की तरफ से भी खदशात का इजहार किया जा चुका है और तालिबान की तरफ से सबको ये यकीन दहानी कराई गई है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हॉटलाइन टीवी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दें।